हेलो गाइस, आज मैं वाइट चिकन बनाने जा रही हूँ। ये उसकी रेसिपी। पहले एक कढ़ाई में प्याज काट के हल्का सा ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये निकाल लेना। ब्राउन करने के बाद सारा प्याज एक कटोरी में या किसी बर्तन में निकाल लेना। उसके बाद में आपको वो प्याज जो आपने निकाली है उसको पीस भी लेना। जो हमने ये जो प्याज निकाली है मैंने जार में डाल दिया। लौंग, काली मिर्च, लहसुन अदरक, स्टार फूल और जावित्री ये डाल लेना। उसके बाद आप चिकन डाल देना इसमें। फिर इन तीनों चीज़ों को भून लेना, चारों चीज़ों को डाल के भून लेना। चिकन को भी डाल के इसमें भून लेना, ढीले भी चिकन। बाकी मैंने ग्रेवी के लिए ये सब सामान लिया है, आप देख सकते हैं। हरी मिर्चें हैं, वाइट पेपर, तरबूज के बीज, जावित्री और खस, इन सबको लेकर पीस लेना है। और जो आपने कढ़ाई में चिकन डाला है उसको अच्छे से फ्राई कर लेना, जो कि स्मेल निकल जाए। अब इसको अच्छे से भूनने के बाद में आपने जो वाला मसाला, काली मिर्ची, लाल मिर्ची वगैरह जो भी आपने लिया है, मैंने आपको अभी दिखाया था, ये सब आप मिक्सी में डालिए, इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद में आप इसमें थोड़ा जो काजू मैंने भिगा कर रखे थे वो भी ऐड कर दिए मैंने। अब इसी के अंदर बिना पानी के जितना काजू में पानी था इसके अकॉर्डिंग ही पीस लेना है। फिर ये प्याज मैंने जो भुना था वो पीसा है। अब मैंने इसमें चिकन में खाली दही ऐड करा है पहले, फिर मैं इसके बाद में पीसा हुआ प्याज, ये पीसा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ जो मैंने भुना था प्याज। और जो मैंने अभी मिक्सी के अंदर पीसा था हरी मिर्ची और जो भी मसाला था ये सारा, वो ये सब एक ही बारी में डाल के ऐड कर लेना। अब खुले बर्तन में इसको बनाना, जो कि चिकन ज़्यादा ना गले, ठीक है। बंद अगर बर्तन में बनाएंगे तो चिकन ज़्यादा गल जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इसको, अब इसमें पानी ज़्यादा लग रहा है ना आपको, अब ये भूनेंगे तो इसमें ऐसे ऑयल जैसा तरी आ जाएगी। फिर उसमें आपको छोटा सा ऐसे काट के बटर डाल देना है, ठीक है। जब ये भून जाएगा खुद ही अपने आप ये अपना आप ऑयल छोड़ देगा। तो आप समझिए ये बन गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें आप धनिया बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अब कर दिया, तो आप ये भी कर सकते हैं। और हल्का हल्का, हल्की आंच पे भूनना, इसको तेज आंच पे बिल्कुल भी मत भूनना, जिससे कि ये ज़्यादा जले, ठीक है। अब ये बनके बिल्कुल रेडी है, मैंने इसको सर्व कर दिया है। अब मेरे हस्बैंड इसको खा के बताएंगे कैसा बना है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से तो बनाया। बाकी मैं किसी दिन आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी रेसिपी बताऊंगी कैसे बनेगा और भी अच्छी तरीके से, ठीक है। और बाकी मैंने अभी शॉर्टकट में आपको जल्दी जल्दी बता दिया है, तो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूं। अब देखते हैं कि ये कैसा बना है। अब इसके पापा को मैं सर्व करती हूँ। अब ये मुझे खा के बताएंगे कि ये कैसा बना है, क्योंकि देखने में तो बहुत ही यम्मी है, और जितना देखने में यम्मी है उतना ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी है ये। क्यों, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाज़ार के अंदर कैसा मिलता है, साफ़ सफाई है नहीं है, ये आपने मैंने नहीं देखा। अब ये बताएंगे मुझे कैसा बना है। अच्छा बना है, इनको पसंद आया।